हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गैप एन अकेडमी। चलिए समझते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम। बहुत ही सिंपल है और इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन नाम के चैप्टर में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे। इससे आप लोग काफ़ी रूबरू हैं और इस चैप्टर में भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसको बिना जाने बिना समझे आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि कैसे लेंस से इमेज क्रिएट होता है, कैसे लेंस से इमेज बनता है, किधर वस्तु को रखा जाता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इसको जानना ज़रूरी है। चलिए, और ये कुछ पॉइंट है जो मैं बता चुकी थी। प्रकाशिक केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र है। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। मतलब लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में दो दो वक्रता केंद्र होता है, C1 और C2। इसमें भी C2 और C1, क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर बना होता है, तो केंद्र भी दो ही होगा। उसके साथ साथ ये फोकस भी है, फोकस। और लेंस में हमेशा दो फोकस होता है, एक प्राथमिक मुख्य फोकस और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस। इसमें भी दो, इसमें भी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, लेंस में हमेशा दो फोकस होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक, F2। इसमें मेन कौन होता है? F2 ही मेन फोकस होता है, इसी से काम लेते हैं। बाकी F1 जो है ना, ये डुप्लीकेट होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो F2 क्या हो गया? इसमें मेन फोकस, ये मुख्य फोकस कहलाता है F2। उसके साथ वक्रता त्रिज्या R। देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये O है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक के बीच की, ये भी वक्रता केंद्र है ना, और ये हो, इन दोनों के बीच की भी दूरी को क्या बोल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R1, इसको R2। ज़रूरी नहीं है सिर्फ, आप लोग R भी लिख सकते हैं। इसमें भी उसी तरह केंद्र और O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R बोल सकते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। देखिए, ये फोकस और इस O, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। ठीक है, इसमें भी उसी तरह इस फोकस और इस O के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब देखिए, अगला है वस्तु दूरी, जिसे U से सूचित किया जाता है, U से डिनोट किया जाता है। वस्तु यानी कि आपका जो बिंब है, यानी कि वस्तु है। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कलम ही रख दी हूँ। ये कलम को मैं यहाँ पर रखी हूँ, तो इस कलम, इस वस्तु से इस लेंस, ये O के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इन दोनों के बीच की दूरी, वस्तु और इस O के बीच की दूरी, वस्तु दूरी कहलाती है, जिसे U से सूचित किया जाता है। तो हम यहाँ पर U लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये वस्तु है और ये O है, इन दोनों के बीच की दूरी वस्तु दूरी, U। और ये होता है प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से सूचित किया जाता है। और वो चाहे वो अवतल लेंस में हो चाहे वो उत्तल लेंस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बात बराबर है। तो प्रतिबिंब दूरी भी, मतलब ये वस्तु का जहाँ प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है भी। सिंपल, बहुत ही आसान है। तो ये तो कुछ बिंदु हो गए, कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग मेन फोकस करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी के पहले नियम की। पहला नियम क्या कहता है? वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। पहला नियम क्या है? वस्तु हमेशा लेंस के बाएं तरफ रखना है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा आप लोग समझिए। वस्तु को फिजिक्स की भाषा में ना बिंब भी बोला जाता है। बिंब यानी कि वस्तु, वस्तु यानी कि बिंब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है पहला नियम, कि वस्तु को हमेशा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। और मेरा बाया ये है, तो ये हो गया लेफ्ट, और मेरा राइट ये है, तो बाया, तो हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ। आपका भी यही बायां है, तो आप लोग भी इधर ही रखेंगे, ये लेफ्ट हो गया ना। और दूसरा नियम क्या कहता है? सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। आप जितनी भी दूरियां मापेंगे, वो सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? इस O, प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाएंगी। चाहे वो आप फोकस दूरी माप रहे हैं, चाहे वस्तु दूरी, या फिर प्रतिबिंब दूरी, आप जहाँ से भी मापेंगे जो भी दूरी, उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? O से। मान लीजिए आपको इस वक्रता केंद्र की दूरी मापनी है, तो इस O से स्टार्ट करेंगे और वक्रता केंद्र तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वक्रता केंद्र से इधर आएंगे,
नहीं, हमेशा ओ से स्टार्ट करना है और जहाँ तक आपको मापना है वहाँ तक मापिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फोकस दूरी मापनी है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे। इसमें भी वही बात होता है, यहाँ पर वस्तु रखा है, मान लीजिए वस्तु दूरी मापना है तो ओ से स्टार्ट कीजिए और वस्तु तक जाइए, तो ये हो गया वस्तु दूरी, ठीक। अगला नियम क्या कहता है कि लेंस के बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक व लेंस के दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है, यानी कि ये लेंस का बायां हो गया और ये लेंस का दायां हो गया। तो आप जितनी भी दूरियां अगर बाईं तरफ आकर मापते हैं, इस बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ आकर मापते हैं, मान लीजिए यहाँ से वक्रता केंद्र की ओर इस वक्रता केंद्र की दूरी माप रहे हैं, तो जितनी भी दूरियाँ बाईं तरफ आकर मापेंगे वो सब माइनस में होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों में आप बाईं तरफ, जैसे आप इधर से बाईं तरफ इधर आए, चाहे वो फोकस दूरी मापे चाहे वो वक्रता केंद्र की दूरी मापे, हमेशा वो माइनस में ही होगा। आगे क्या बोलता है कि अगर लेंस के दाईं तरफ अगर आप जाकर माप रहे हैं, यानी कि इस लेंस से दाईं तरफ जाकर आप चाहे वो फोकस दूरी चाहे वो प्रतिबिंब दूरी चाहे वक्रता, जो भी दूरी अगर आप दाईं तरफ जाकर माप रहे हैं ना, तो वो सारी दूरियां धनात्मक होंगी, ठीक है, धनात्मक मानी जाएंगी। मान लीजिए ये वक्रता केंद्र की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर माइनस 2 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि आप लेंस से बाईं तरफ आएंगे 2 सेंटीमीटर मापने के लिए, वक्रता केंद्र को मापने के लिए यहाँ से इधर ही आएंगे ना बाईं तरफ, इसीलिए माइनस लगेगा। और यही मान लीजिए यही 2 सेंटीमीटर अगर दाईं तरफ आप लोग जाकर मापेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियाँ धनात्मक व नीचे की दूरियाँ ऋणात्मक होती है, यानी कि इसमें मुख्य अक्ष कहाँ है, ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, इसकी जितनी भी ऊपर की जो भी वस्तु रखा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा है तो जितनी भी दूरियाँ आप ऊपर जाकर मापेंगे ना वो सारा प्लस में आएंगी, और जितनी भी दूरियाँ इस मुख्य अक्ष के नीचे रहेंगी, मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बना यहाँ पर, तो इसको हमेशा माइनस में रखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस वस्तु का मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी, मान लीजिए इस वस्तु की ऊँचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है ना, तो यहाँ पर प्लस लगेगा, और इसी का प्रतिबिंब नीचे बनता है मुख्य अक्ष के नीचे, और ये भी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर बनता है, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 4 नियम कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब उत्तल लेंस से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और ये ज़रूरी था क्योंकि अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं रहेगा तो आप वस्तु को दाईं तरफ भी रख देंगे, कभी प्लस और माइनस का गड़बड़ हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।